लाल बालू दिखाकर उजला बालू से हो रहा नाला निर्माण कार्य, 3 नंबर के ईंट का कर रहे धड़ल्ले से उपयोग, ग्रामीणों ने लगाया यह आरोप। छातापुर सुपौल। छातापुर प्रखंड के जीवछपुर पंचायत के मुखिया द्वारा 15वीं वित्त से नाला निर्माण कार्य में व्यापक तौर पर अनियमितता बरती जा रही है, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने की। यही नहीं, निर्माण कार्य में उजला रेत व घटिया ईंट का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। हालांकि इस अनियमितता को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन संबंधित वार्ड सदस्य के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अपने मनमर्जी तरीके से नाला निर्माण किया जाना शुरू कर दिया गया। यही नहीं, उक्त वार्ड सदस्य के द्वारा बेहतर कार्य का भी दावा पेश किया गया है। दरअसल मामला सुपौल जिले के जीवछपुर पंचायत के वार्ड 12 की है, जहां वार्ड सदस्य लालचंद सहनी के देखरेख में नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिस निर्माण कार्य में कार्यस्थल पर लोकल बालू से काम करवाया जा रहा है, हालांकि दिखावटी के तौर पर कार्यस्थल पर लाल बालू भी गिराकर रखा गया है, जबकि नाला निर्माण में सिर्फ उजला बालू का ही उपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, इस निर्माण कार्य में ईंट भी काफ़ी निचले औषधे का बताया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब है। जबकि ग्रामीणों में नाला निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता को लेकर काफ़ी नाराजगी है। हालांकि ग्रामीणों के सूचना के बाद जब नाला कार्य का पड़ताल करने इस निर्माण कार्य को बेहतर तरीके से देखने टीम पहुंची, तो इसमें व्यापक तौर पर अनियमितता देखी गई। जहां काम कर रहे मजदूरों से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि बालू खत्म हो गया था, इसलिए उजले बालू से काम किया जा रहा है, जबकि नाला निर्माण में उपयोग होने वाली मसाला का भी जानकारी ली गई तो उनके द्वारा 2-1 की मसाला बनाने का जानकारी दी गई, जबकि वार्ड सदस्य ने बताया कि 4-1 उपयोग किया जा रहा है, जबकि कार्यस्थल पर निर्माण संबंधी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने उक्त कार्य की जांच वीडियो से करवा कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इधर कार्यस्थल पर मौजूद कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना था कि नाला निर्माण कार्य में गुणवत्ता के नाम पर कोई भी बेहतर काम नहीं किया जा रहा है, 3 नंबर का ईंट उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, नाला निर्माण के लिए नीचे फर्श की ढलाई करने में भी खानापूर्ति की गई है, नियमानुसार कंक्रीट का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कार्यस्थल पर योजना बोर्ड तक भी नहीं लगाया गया है कि यह नाला निर्माण कार्य कितने की लागत से हो रही है। इस मामले को लेकर छातापुर वीडियो रितेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्य को लेकर जानकारी नहीं है, इस संबंध में जानकारी लेकर कार्य की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए कार्य में अगर गड़बड़ी पाई गई तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।